अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली जंग के साथ राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हज़रत पीर मौलाना मसरूर नवाज छंगवी के साथ। हमारे साथ वो मौजूद हैं जो आज साहबजादा पीर नज़ीर सुल्तान की फातिहा खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जो आप पर कातलाना हमला किया गया है, पहले तो हम उसकी पर ज़ोर मजम्मत करते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ऐसी कार्रवाई एक बुज़दिलाना कार्रवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। जो वक्त हमारा मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त पर ही आएगी और इन अतकंडों से कोई हमें दबा नहीं सकता, ना हमारे नज़रियात को दबा सकता है और ना हमारे हौसले पस्त कर सकता है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद नुसरत के साथ हम इन मुखालफिन के साथ जो है वो अपना इस मैदान में भी और हर मैदान में इंशाअल्लाह मुकाबला करें। सर, हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी करवाई गई है इस हवाले से? हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी पहले ही इंतजाम बेहतर हैं और जंग पुलिस की तरफ से जब मैं जंग आया हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ वेलकम भी किया और जो है वो DPO साहब की तरफ से बाकायदा मैसेज भी आया और इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से भी सारी बातचीत हुई, तो इंतज़ामी हवाले से पहले ही हुकूमत के इंतजाम बेहतर हैं। और बाकी जहाँ तक बात है उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, तो चूँकि वो सिंध पुलिस का हिस्सा थी, वहाँ जो है वो मुखालफीन ने कुछ पैसे वगैरह दिए हैं, तो इसलिए कुछ कार्रवाई वहाँ सुस्त है, लेकिन हम अदालत का रुख कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो हम अपनी कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह।